थोड़ा सा हमें जो एक प्रोसेस भी बता दें, लाइक इंटीमेशन आप कैसे जमा कराते हैं, लाइक एक ऑर्डिनरी प्रोसेस आपके लिए भी होता है या कुछ थोड़ा सा डिफरेंट वेज है? अच्छा, प्रोसेस जो है वो इट्स क्वाइट सिंपल एंड व्हाट स्टूडेंट्स डू इज दे वेट टू लॉन्ग. आपके लिए जो इजीएस्ट प्रोसेस है, इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस. जैसे ही एक यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का स्टूडेंट जब जब आपके पास आपकी एक एंट्री स्लिप आ जाती है, एग्ज़ाम स्लिप जो होती है, एडमिशन नोटिस जिसको हम कहते हैं, ठीक है, जब आपने अपने एग्जाम्स के लिए रजिस्टर कर लिया और उन्हें आपकी रजिस्ट्रेशन कंफर्म कर लिया और आपको एक एडमिशन नोटिस भेज दिया है, रोल नंबर स्लिप जिसको आप कह सकते हैं, वो रोल नंबर स्लिप की बेसिस के ऊपर आप अपनी इंटीमेशन फाइल कर सकते हैं. अगर आपको उसकी बेसिस के ऊपर इंटीमेशन फाइल नहीं करनी, आपके एग्ज़ाम्स जैसे ही ख़त्म हो आप उसकी बेसिस के ऊपर अपनी इंटीमेशन फाइल कर सकते हैं कि मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं एंड नाउ आई एम अवेटिंग रिजल्ट्स. अगर आप उसकी बेसिस पर नहीं करना चाहते, अगस्त सेप्टेम्बर के अंदर इनफॉर्मली जो है आपके पास रिजल्ट्स आ जाते हैं थर्ड ईयर के, आपकी अगस्त के अंदर 15th 16th अगस्त को रिजल्ट्स आ जाते हैं, आप उस बेसिस के ऊपर अपनी इंटीमेशन फाइल कर सकते हैं. तो दीज आर थ्री पॉइंट्स वेयर यू कैन फाइल फॉर योर इंटीमेशन. इंटीमेशन का प्रोसेस बहुत आसान है. आप जाते हैं सिंध बार काउंसिल के ऑफिस में, हाई कोर्ट में, आप उनसे एक इंटीमेशन फॉर्म लेते हैं. प्रोविंशियल जो भी बार काउंसिल है, लाइक आप सिंध में थे तो सिंध बार काउंसिल, अगर पंजाब में होगा तो पंजाब बार काउंसिल, बिल्कुल ठीक है, अगर केपीके में होगा तो उनकी जो बार काउंसिल है, जहाँ पे भी आप उधर जाएंगे आप एक इंटीमेशन फॉर्म लेंगे. नॉर्मली जो चीज़ें रिक्वायरमेंट्स होती हैं इंटीमेशन फॉर्म के लिए, वो इंटीमेशन फॉर्म की पहले पेज के ऊपर लिखी हुई होती है. ऑलवेज रीड द फॉर्म एटलीस्ट 2 to 3 times बिफोर यू स्टार्ट कलेक्टिंग थिंग्स, ठीक है. आप 2-3 दफ़ा पढ़ लें, आप अपने लिए खुद लिस्ट बना लें कि ये चीज़ें मुझे चाहिए. जो इन चीज़ों के अंदर होता है वो आपका आईडी कार्ड की कॉपी होगी, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ होंगी, अटेस्टेड कॉपीज़ होंगी, आपकी डिग्री की वेरीफाइड कॉपी. आप या तो उस इंटीमेशन फॉर्म के साथ जमा करा दें, या तो जो 6 महीने का टाइम होता है आप उसमें किसी भी टाइम पे जाकर ये चीज़ें जमा करा सकते हैं. अच्छा, आपके एक्सपीरियंस में अगर कोई ऐसी आपको डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी हो, अगर जो आप हाईलाइट करना चाहें इंटीमेशन के अंदर, हाँ, लाइसेंस लेने तक एक सबसे बड़ा मसला ये है कि HEC से जो वेरिफिकेशन वगैरह हैं, कितनी वेरिफिकेशन चाहिए, कितनी बार वेरिफिकेशन चाहिए, ये फॉर्म पे नहीं लिखा होता. ये एक बार जब आप सब कुछ जमा करा कर लेकर जाकर देते हैं ऑफिस के अंदर, वो कहते हैं भाई ये भी मिसिंग है, फिर वो ऑब्जेक्शन लगा कर देते हैं कि भाई ये मिसिंग है आप ये ले आए, ये मिसिंग है आप ये ले आए. और बहुत टाइम का आपको बहुत पाबंद होना पड़ता है, कहीं पे बहुत कम जगहों पे ये डेट्स पब्लिश होती हैं कि लास्ट डेट क्या है इंटीमेशन फाइल करने की, क्योंकि बैचेस होते हैं. एक इंटीमेशन फाइल होती है, उसकी बैच होगा कि अब इंटरव्यूज़ की बैचेस होते हैं, हर 3 महीने बाद इंटरव्यूज़ होते हैं. तो आपने अगर वो एक डेट मिस कर दी तो उसके 3 महीने बाद आपके इंटरव्यू होगा. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डेट्स के ऊपर नज़र रखें कि कब आपकी, जब आपने इंटीमेशन फाइल की थी, इसका नेक्स्ट इंटरव्यू का डेट कब आ रही है. अच्छा, तो जब आप फर्स्ट इंटीमेशन फाइल कर देते हैं, उसके बाद आपकी आपको अपने रिजल्ट्स और अपनी डिग्री की कॉपी जो है वो जमा करानी होती है उन 6 महीने के दरमियान में. ड्यूरिंग दो 6 months आपका जो इंटीमेशन फॉर्म होता है उसके ऊपर आपका जो भी सीनियर है जिसके साथ आप 6 महीने के लिए प्रैक्टिस करेंगे, उसकी सिग्नेचर और उसकी उसकी लाइसेंस की कॉपी लगती है, ठीक है. वो जब लाइसेंस की कॉपी, पहले आपने फर्स्ट इंटीमेशन अपनी फाइल कर दी, 6 months के दौरान जो भी कुछ मिसिंग है आपने वो फाइल कर दिया, आपने उसके अंदर लॉग ऐड दिया, आपने उस 6 महीने के अंदर सी लॉ दिया. नॉर्मली साल में 3 दफ़ा, दोनों पेपर साल में 3 दफ़ा होते हैं, ठीक है. दोनों आपने किए, उसके रिजल्ट्स आपने जमा करा दिए. फिर 6 महीने के बाद एक सेकेंड इंटीमेशन फॉर्म होता है. 2 forms आपने जमा कराने, सेकेंड इंटीमेशन फॉर्म के अंदर जो कुछ आपने फर्स्ट इंटीमेशन फॉर्म के अंदर जमा कराया वो सब कुछ जमा कराना होता है. 2 character certificates जमा करवाने होते हैं, जो कि अदर देन योर सीनियर आपने 2 character certificates जमा कराने दो होते लोगों हैं. से लेके दो लोगों से दो वकीलों से लेके अच्छा वकीलों से मतलब और वकीलों के पास 10 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है. अच्छा, वो आपने 2 character certificates जमा कराने होते हैं और उसके साथ साथ आपने 10 cases की लिस्ट जमा करानी होती है जिसके ऊपर आपने अपने सीनियर के साथ असिस्ट किया हो. वो इंटीमेशन जमा कराकर आप वो सेकेंड इंटीमेशन जमा कराते हैं, उसके बाद आपके इंटरव्यू की कॉल्स होती है. इंटरव्यू की कॉल के साथ एक छोटा सा 30 MCQs का टेस्ट होता है आपका. इट्स वेरी बेसिक, इफ़ यू पास योर लॉग एट तो आप वो टेस्ट भी प्रॉबेबली पास कर लेंगे, और अगर आपने उन 6 महीने में एक्चुअली प्रैक्टिस की है तो फिर आप वो टेस्ट पास कर ही लेंगे. हाँ, वो बहुत मुश्किल टेस्ट नहीं होता. उसके बाद जो है आपको आपके लाइसेंस, आपके पास आपका एक इंटरव्यू होता है जिसके अंदर वो आपसे 4 से 5 सवाल करते हैं, प्रॉबेबली अकॉर्डिंग टू द केसेज दैट यू हैड, जो भी आपने जिस भी वो आपसे पूछेंगे आपने किस तरह की प्रैक्टिस की उसकी बेसिस के ऊपर आपसे क्वेश्चंस करेंगे, और 3-4 सवाल करके आपको
छोड़ देते हैं. इट्स अ वेरी लेड बैक इंटरव्यू एंड लेड बैक टेस्ट, लेकिन अगेन इट्स नेसेसरी फॉर यू टू पास इट. और उसके बाद जो है आपको एक महीने के बाद फॉर्मेलिटी है वो पूरी करनी है और उसके बाद आपको एक महीने के बाद आपका लाइसेंस मिल जाता है.